Hey guys, welcome back to my channel Comedy World MR. तो आज इस चैनल में थोड़ा सा वीडियो लेट से आया, इसलिए सॉरी, क्योंकि आज सुबह से उठ के जो गया भूकन मेरा बहुत ज्यादा ही, क्योंकि आज मतलब उसको क्या बोलता है रे, किसको, पासपोर्ट बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस जाना पड़ा था। वहाँ पे इतना 3 घंटा का लाइन देकर बैठे थे, उसके ऊपर दौड़ धूप करना पड़ा, फिर भी मेरा पासपोर्ट नहीं बना। आप लोग हम्पी और राहुल ने जो वीडियो देखे होंगे उसको पता ही होगा। फिर आके घर का जो भी काम रहता है वो सारा अकेले ना हो ही नहीं पा रहा है, उसका इतना थक है ना, सो हमको इतना नींद लग रहा था, इतना नहीं लग रहा था। हम बाबू हमको नींद लग रहा है, तो बाबा बोले कि अरे तुम सो जाओगी तो वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो नहीं बनाओगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो भी काफ़ी पड़ा था, फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग्स भी था, अगर सो जाते ब्लॉग भी नहीं बनता, तो ऐसे भी काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। तो हम 1 घंटा, हम बोले कि 1 घंटा तो सोने लीजिए, तो 1 घंटा भी नहीं सोया लगता, हम आधा घंटा सोए थे, उसके बाद उठ गए। और आज हम बना रहे खस्सी का सब्जी और रोटी। किसको खस्सी का सब्जी पसंद है हमको कॉमेंट्स करके बताना, पानी कहाँ से आ रहा है। और मेरा रोटी का तरीका आप लोग देखोगे तो हंसोगे, अभी किचन में ही मेरा सारा व्लॉग बनेगा, मतलब ये वाला व्लॉग, क्योंकि रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, फिर हम डन, क्योंकि दूध भी गर्म हो चुका है ऑलरेडी। और हम ना जिस दिन लेट होता है, जिस दिन ये हम अभी से मतलब एक साथ 4 रोटी बना देते हैं, कौन कौन मेरे तरह करते हो, एक साथ 4 रोटी कौन बनाते हो, उनको कॉमेंट करना। और जल्दीबाजी में देखो क्या हो रहा है, एक साथ बकड़ बकड़ काम नहीं होता ना, तो एक साथ उधर से ज्यादा पतला हो गया। जो जो ये ट्रिक नहीं जानते हो वो ये ट्रिक देख लो, उन लोगों को भी काम आएगा, मतलब जब बहुत ज्यादा बिजी हो और कहीं जाना नहीं ना, ऐसे रोटी बनाओगे जल्दी भी बन जाता है बहुत। वैसे ये चीज हम कोलकाता में किसी का एक देख के सीखे है, मेरी मम्मी भी ऐसे रोटी बनाती है, मेरी नानी भी रोटी ऐसे बनाती है। वैसे हम लोग घर में रोटी बनता नहीं है, लेकिन मेरी भाई रोटी खाते थे तब रोटी बनता, मतलब जब मेरे भाई छोटी मतलब छोटा था। तो आपका घर में एक दिन भी मतलब रोटी नहीं बनता? मेरे घर में कभी रोटी मतलब बनता ही नहीं था, कभी नहीं बना, लेकिन मेरा भाई जब छोटा था ना तो रोटी खाता था, 2 रोटी बराबर उसका बनता था, तो वही मम्मी बनाती थी ना, तो हम देखते थे मम्मी 2 रोटी एक साथ बनाती थी। और मेरी नानी गांव में रोटी खाती थी, तो मैं मतलब कभी कभार रोटी बनता था गांव में कभी कभार, तो मेरी नानी को देखते थे ऐसे 3-4-5 ऐसे एक साथ बना रहे हैं, तो वही देख के हम भी सीख गए हैं। मेरा सब्जी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अभी सब्जी को भी बंद कर देंगे। और ये वाला गरम मसाला ना कोलकाता से हम मंगाते हैं, विश्वास करो कि कोलकाता से हम मंगाते हैं। यहाँ का गरम मसाला में हमको ठीक मतलब वैसा स्वाद नहीं लगता, लगता है मतलब क्या क्या इसमें डाला हुआ है, ओरिजिनल तो हमको बिल्कुल नहीं लगता। और ये जो गरम मसाला है ये 1 रुपया लेता है, और इतना मतलब लगता है पूरा जो ओरिजिनल है कार्ड लकड़ी होता है ना वही पीस के बनाया है, ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा जब भी आते हैं या बाबू जाते हैं या हम जाते हैं ना, तभी इसको हम 50 रुपये का 50 पीस, 100 रुपये का 100 पीस लेके आते हैं। सब्जी तो देखो कितना टेस्टी बना ना, मतलब अपना ही तारीफ कर रहा है, कोई ना करे वैसे अपना तारीफ कर रहा है। और आज सोचे हम थोड़ा सा इग्नोर करना, आज हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए मतलब ये वीडियो बहुत शॉर्ट भी आ सकता है, मतलब बहुत छोटा आ सकता है, आप लोग इसमें ही मैनेज कर लेना, क्योंकि आज हम इतना हड़बड़ी में इतना ज़्यादा काम पड़ गया मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही, और मायरा कर रही है हमको परेशान, पता है आ रही है मतलब तब आ रही नहीं था तो व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं था, हम खाना बना रहे आके हमको बोल रहे कि
मम्मी मम्मी हम लोग क्या हुआ, तो भाग जा रही है, फिर आ रही है, हम बोले मम्मी मम्मी ऐसे कर रही है। देखो हम अभी तीन बना है, वैसे हम चार ही बनाते हैं। एक चीज और, रोटी फूलेगा बहुत अच्छा फूलेगा ये। एक एक हमने एक बार शॉर्ट्स में बनाए थे, हम एक साथ चार रोटी बना रहे थे, तो कोई कमेंट्स करता आपका रोटी फूलता है, बिल्कुल फूलता है मेरी रोटी, एक दो नहीं फूलता है क्योंकि ना वो फूलने से पहले फट जाता है, तो वो नहीं फूल पाता है, तो कितना बनाना कितना सुंदर रोटी। क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रही हो आप? देखो ये रोटी फूट फूट गया, इसलिए नहीं फूलेगा शायद, फिर भी फूल रहा है यार, मतलब मेरा सर झुकने नहीं देगा मेरा रोटी। मायरा को प्यार करके आते रोटी बनाते बनाते हम करने आए हैं, मायरा को क्या है, प्यार करने दो ना, हाय करो गाइस को, हाय करो एक बार, हाय करो सबको, हम उधर खाना बनाते हैं, इधर बैठ बैठ कर कंटिन्यू उनको आवाज देके जाएगा ए ए करके, सुनो ना मेरा प्यार करने दो ना, मट्टी प्यार भी जाओ टाटा, मेरा रोटी जल जाएगा। तो चलो ये व्लॉग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आज बहुत दिन बाद हमको टीवी देखने का मन किया था, तो हम क्या किए ना, सब्जी काट रहे थे और टीवी चलाए, और हम ज्यादातर ना अभी भोजपुरी मूवी, हमको भोजपुरी का जो कंटेंट मतलब स्टोरी बहुत पसंद आता है, तो हम थोड़ी देर पहले सब्जी काट रहे थे और हमको बोले हमको टीवी चला दो, हम टीवी देखते देखते सब्जी काटेंगे। कम से कम तीन बार टीवी देखने बैठे, तीन बार लाइन चल गया, मतलब हमको हम वैसे टाइम ही नहीं मिलता टीवी देखने का, हम देखते ही नहीं है टीवी, तो आज थोड़ा सा सोचे मूड ऑफ है, मतलब मूड ऑफ नहीं बोलेंगे, तो थकावट लग रहा है, तो टीवी देखेंगे और काम करेंगे, और आज हमको भगवान बोले कि नहीं तुम जब देखती नहीं हो तुमको नहीं देखना होगा टीवी, फोन में ही काम चला, तीन बार लाइन चल गया, तो अभी फाइनली हम सोचे मम्मा क्यों चिल्ला रहे हो, अभी हम फाइनली सोचे रोटी बना लेंगे आराम से बैठ के टीवी देखेंगे ना, और मेरा ये तीन चार रोटी एक साथ बनाने का टेक्निक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। ये ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं करते, यहाँ पे बाय बाय कर दे रहे हैं, फिर मिलेंगे कल, ठीक अच्छा ब्लॉग, ठीक चलो बाय बाय बाय। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है तुम, सुनो सुनो